हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री हाउ टू मेक में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज आप सब में शेयर कर रही हूं ये बाम मछली को किस तरह से हम घर में साफ़ कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ये जो ऊपर की स्किन है इसे हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो वही वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूं। और आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी तरह इसके वीडियोज़ रेसिपीज़ देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये ऊपर की है इसे निकाल देंगे चमड़ी को, तो ये जो चाकू है अच्छा तेज़ धार वाला उससे निकालिएगा। और उसके साथ ही मैं यहाँ से इस तरह से हल्का से ये कटिंग करके और फिर इसकी स्किन निकालूंगी। ये जो मुंह रहता है उस साइड से इसे आप हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल हल्के हल्के से ऊपर की जो लेयर है बस वही कटे इसकी, इस तरह से आप इसे निकाल लीजिएगा। बहुत ही ईजी एकदम निकल जाती है स्किन इसकी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने इसे बिल्कुल हल्का हल्का ऊपर से ही कटिंग करा है। और इस तरह से ये आप चाहो तो पूंछ साइड से भी निकाल सकते हो, लेकिन इस साइड से निकालना इजी पड़ता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। जो हम साफ करते हैं ऊपर से स्किन, वो उसकी वजह अगर आप स्किन पूरी निकाल दोगे तो बहुत ही मतलब फिश बहुत ही टेस्टी बनती है। ये ऊपर की स्किन चिकनी रहती है, गंदी रहती है, इसलिए इसे निकाल देना ज़रूरी रहता है। तो इस तरह से निकालिए आप इसे। और इस फिश का नाम बाम है, तो इसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा चिकनी रहती है। दूसरी फिशों की स्किन भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, तो उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आज इसका देखिए आप बहुत ही इजीली निकल जाती है ये। ये सभी दूर से थोड़ी थोड़ी करके आपको इस तरह से निकालनी है। और इसमें कांटे भी रहते हैं ऊपर साइड, तो बिल्कुल ध्यान से निकालिएगा। ये देखिए इस तरह से निकलता है ये। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ इसलिए इसे धो नहीं पा रही हूँ। अगर आप नल चल रहा है उसमें इसे साफ़ करेंगे तो बहुत ही ईजीली होगी, क्योंकि चिकनी रहती है तो थोड़ी दिक्कत जाती है निकालने में, क्योंकि स्लिप होती है हाथ में से बार बार। ये देखिए मैंने आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से निकलती है ये। और इस तरह से मैं पूरी फिश की स्किन निकाल दूंगी ऊपर की। बस थोड़ी सी जगह हो जाती है निकलने की, तो फिर बहुत ही आसानी से निकल जाती है पूरी चमड़ी। ये देखिए इसे मैंने धोया है क्योंकि बहुत चिकनी हो रही थी तो स्लिप हो रही थी बार बार हाथ में से। फिर धोने के बाद ये देखिए आसानी से थोड़ा निकल रही है। ये देखिए ये देखिए निकल गई, बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। ये ऊपर कांटे हैं इसमें जो चुभते हैं निकालते समय, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि बहुत तेज़ कांटे रहते हैं। और ये बिल्कुल चिकनी स्किन बिल्कुल निकल जाएगी और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और यहाँ पर ये कांटे हैं ऊपर साइड, ये देखिए ये मुँह की साइड से मैं पकड़ के से इस तरह से निकाल रही हूँ। देखिए कितनी ईजीली निकल गई है ये देखिए। बस थोड़ा ऊपर से थोड़ा, जब तक इसको जगह नहीं रहती है निकलने की उस समय तक थोड़ी दिक्कत जाती है, फिर निकल जाती है आसानी से। और आप एक साथ निकालिएगा थोड़ी थोड़ी करके, चारों तरफ से इस तरह से घुमा घुमा के निकालिएगा। बस ये कांटों का ध्यान रखना है, नहीं तो चुभेंगे हाथों में आपको। और ये देखिए बहुत ही ईजीली निकल गई है। और ये बाम मछली तो बहुत ज़्यादा चिकनी रहती है, इसलिए इसकी इस तरह से स्किन निकाल दीजिए आप। और बहुत ही टेस्टी लगती है, और है मतलब है भी स्वादिष्ट ये मछली, खाने में बहुत ही टेस्टी है ये बाम मछली। दूसरी मछलियों से काफ़ी अच्छी लगती है खाने में ये। तो यहाँ पर मैंने ये इसकी पूरी इस तरह से इस चमड़ी निकाल दी है। मुझे तो दो तीन बार चुभ चुका है कांटा ये। तो ये देखिए ये निकल गई।
और यहाँ पर ये इसकी पूरी स्किन निकल गई है। ये देखिए ये हो गई साफ एकदम, और इसके अंदर की जो गंदगी है ये भी निकल जाएगी। ऊपर की चमड़ी इसे भी हम काट के निकाल देंगे, नाइफ से आसानी से कट के निकल जाती है, और ये अंदर की जो गंदगी है उसे भी निकाल देंगे हम। तो इस तरह से यहाँ से मैं कट का निशान लगा के और इसे भी निकाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से बहुत ही इजीली आप इसको घर में लाके साफ कर सकते हो, क्योंकि मार्केट से हम लाते हैं तो वो डायरेक्ट पीस करके दे देते हैं, इस तरह से गंदगी साफ नहीं करते हैं, ना ही ऊपर की चमड़ी निकालते हैं। ये जो है गलफड़े ये भी निकाल देंगे हम, इससे क्या सब्जी कड़ी बनती है। किसी भी मछली के हों आप इसे निकाल दीजिए, इससे नहीं तो सब्जी कड़वापन आ जाता है सब्जी में। तो इस तरह से निकाल दीजिए इसे, और इसका मुँह किसी काम का नहीं है तो मैं मुँह भी निकाल के फेंक दूँगी। ये मुझे आपको बताना है इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि इसको निकाल के फेंक दूँगी। चमड़ी चाहो तो चमड़ी निकाल दो आप इसकी, लेकिन मैं इसको काट के अलग पटक दूंगी। इसे पटक देंगे हम अलग और इस तरह से इसके पीसेस कर लेंगे। जितने बड़े साइज़ के आपको पीस चाहिए उतने बड़े साइज़ के आप इसके पीसेस कर लीजिए। मैं बड़े कर रही हूँ तो इतने बड़े बड़े करूँगी मैं इसके। और आज ऐसी की सब्ज़ी बनेगी। तो आपको ये फ़िश साफ़ करने का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ, थैंक यू, बाय।